तो माना जाए तो इकोनॉमिक्स का अमूमन अगर पिछले 5-6 साल के ट्रेंड को देखें आप, तो इकोनॉमिक्स में तीन तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं आपको। एक तो इकोनॉमिक्स जो बेसिक इकोनॉमिक्स है, नहीं जैसे जीडीपी, जीएनपी वगैरह, बैलेंस ऑफ पेमेंट, मुद्रा का मूल्यन कितनी बार हुआ, और पंचवर्षीय योजना तो खैर बीपीएससी का क्या कहा जाए उसका, वो मतलब वो आना ही आना है। प्लानिंग से बीपीएससी को कुछ ज़्यादा ही, हाँ ये कुछ ज़्यादा ही लगाव है, तो हर बार एग्जाम में वो क्वेश्चन आना ही आना है। तो एक तो वो जो इकोनॉमी में पढ़ते हैं आप, बेसिक जो इकोनॉमी के बेसिक्स हैं। दूसरा हो गया जो बिहार की ये इकोनॉमिक समीक्षा होती है, आर्थिक समीक्षा और बजट, तो इससे क्वेश्चन आते हैं आपको। कुल मिलाकर कहें तो 15 के आसपास, बहुत ज़्यादा नहीं जाता है, 13 से 15 के आसपास प्रश्न रहते हैं सब मिला दिया जाए तो। एक बार ट्रेंड चेंज हुआ है, 2015 में एग्जाम हुआ था, 16 में, 15 में बल्कि 2015 में जो पेपर हुआ था प्रीवियस, देखिएगा आप, तो एकमात्र ऐसा हुआ पहली बार कि सब मिलाकर जो बीपीएससी से, सॉरी इकोनॉमी से क्वेश्चंस आए लगभग 45+ में आ गया था, आज तक नहीं आया, क्योंकि बीपीएससी में तो सबसे ज़्यादा हिस्ट्री का वेटेज है, नहीं है सबसे ज़्यादा तो हिस्ट्री का वेटेज है ना, बिहार बिहार का हो जाए, करंट इवेंट्स को छोड़ दें उधर, तो सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा वेटेज तो हिस्ट्री को है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इकोनॉमी से उस बार बहुत ज़्यादा प्रश्न आया था। अब ट्रेंड कब चेंज हो जाए, क्या कह सकते हैं, अपने आप को तैयार रखना होगा इकोनॉमी के लिए। इकोनॉमी में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो डेफिनेटली उससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, जैसे पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आपको हर साल आता है, और सबसे बड़ी बात है कि पहली बार ऐसा हुआ कि पिछली बार देख लीजिए लेंगे आप लोग, जो 66 हुआ उसमें पंचवर्षीय योजना से प्रश्न नहीं थे, इसका मतलब ये हुआ कि इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है पंचवर्षीय योजना, और पंचवर्षीय योजना में समझने वाली बात नहीं है, जैसे नेशनल इनकम को आप समझते हैं, जीडीपी, जीएनपी थोड़ा सा पेचीदा है, बजट को समझते हैं बहुत ज़्यादा पेचीदा है, या टैक्सेशन को समझते हैं, पंचवर्षीय योजना बहुत ही आसान है, इकोनॉमिक्स का सबसे आसान चैप्टर है। तो हम लोग आज इकोनॉमिक प्लानिंग को सोच रहे हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग को आज कर लिया जाए, पहला चैप्टर हम इकोनॉमिक प्लानिंग को अगर ले लेते हैं, है ना, कौन सा कर लेंगे उसको भी, इकोनॉमिक प्लानिंग को आज कर लेते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग से डाल लीजिए, तो हेडिंग डाल लीजिए आप, आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन, अच्छा, ठीक, आर्थिक नियोजन, नियोजन का मतलब क्या हुआ, प्लानिंग। सबसे पहले तो आप इसकी परिभाषा जाननी जरूरी है क्या ये, डाल लीजिए तो डेफिनेशन इसका डाल लीजिए, और आप क्या करेंगे ना पॉइंट वाइज डालते रहेंगे, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से। तो पहला डालिए आप, आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग है ना, आर्थिक नियोजन के तहत, आर्थिक नियोजन के तहत संसाधनों का विवेक पूर्ण, विवेक संसाधनों का विवेक पूर्ण दोहन, दोहन का मतलब हो गया यूज, यूज संसाधनों का विवेक पूर्ण दोहन किया जाता है, विवेक पूर्ण, सॉरी, ठीक
ठीक है कर देंगे, लेकिन टाइम लग जाएगा उसमें फिर। तो हम ऐसा करते हैं ना, आपको कीवर्ड दे देंगे, ठीक है ना। आइए, इसलिए दोहन शब्द यहाँ पर थोड़ा सा लगा, ऐसे भी नहीं समझ पाएंगे। दोहन तो यूज किया जाता है, विवेकपूर्ण दोहन किया जाता है, विवेकपूर्ण दोहन किया जाता ताकि ताकि एक निश्चित अवधि में, ताकि एक निश्चित अवधि में समय, एक निश्चित अवधि में, एक निश्चित, फिर से एक निश्चित, फिर से रिपीट कीजिए, एक निश्चित अवधि में एक निश्चित आर्थिक तथा सामाजिक, एक निश्चित आर्थिक तथा सामाजिक लक्ष्यों को पाया जा सके। क्या हुआ, छूट रहा है, छूट रहा है। एक निश्चित अवधि में एक निश्चित आर्थिक तथा सामाजिक लक्ष्यों को पाया जा सके। क्या हुआ, लक्ष्य, टारगेट, सोशल एंड इकोनॉमिक गोल या टारगेट को अचीव किया जा सके, ठीक है। अब समझिए, आप इसको समझने वाली चीज़, कभी पूछा नहीं जाएगा ये डेफिनेशन, कभी पूछा थोड़ी जाएगा, सिर्फ समझने के लिए मैंने बताया आपको। समझिए, आप ये बताइए कि जैसे ही आप आर्थिक नियोजन बोलते हैं तो पंचवर्षीय योजना, फिफ्थ ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना, पहली योजना, दूसरी योजना, तीसरी योजना, सब तो जान ही रहे हैं आप लोग, ऐसा थोड़ी है कि नियोजन को पहली बार सुना है। पंचवर्षीय योजना, जिस दिन से आपने जीएस पढ़ना शुरू किया और इकोनॉमिक्स अगर पढ़ा होगा तो नियोजन के बारे में जान ही रहे हैं। योजना आयोग होता है, और जैसे ही नरेंद्र मोदी जी आए तो सबसे पहले इन्होंने, पहला काम इनका क्या किया था, इन्होंने याद कीजिए, जैसे ही गवर्नमेंट सत्ता में आई थी सबसे पहले इन्होंने योजना आयोग को समाप्त किया, योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन को समाप्त किया, और उसकी जगह पे क्या लाया, अभी अभी कौन सी संस्था काम कर रही है, नीति आयोग, नहीं है नीति आयोग। तो कोई नई बात यहाँ पर नहीं बता रहे आपको हम, सारी चीजें आपके पास पता है, बस उसको एक एक सिस्टमेटिकली हम यहाँ पर आपको डाल दे रहे हैं और जानबूझकर उस पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो प्लानिंग कमीशन जो जिस तरह से काम उन्होंने किया, तो आर्थिक नियोजन उसको बोलते हैं। अब समझिए आप कि भारत 1947 में आजाद हो रहा है, 1947 में आजाद हो रहा है, 1947 में हमारे देश की आर्थिक स्थिति आप कल्पना कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर पीछे ले जाएं, फ्लैशबैक में चले जाएं आप, तो 1947 में हमारे देश की इकोनॉमी क्या आज के जैसी रही होगी, ऐसे भी कल्पना कीजिए। किताब छोड़ दीजिए ना, किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस बात के लिए किताब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और एक बात बता दूं, इकोनॉमिक्स सबसे आसान विषय है, सबसे आसान इसलिए है क्योंकि ये बिल्कुल अप्लाइड है, प्रैक्टिकल है, ये आम आपके हमारे लाइफ में डेली गुजरता है ये। अगर उस जगह पे आपको रख दिया जाए तो आप क्या करेंगे, वही इकोनॉमिक्स है, आप क्या करेंगे। 1947 में भारत आजाद हो रहा है, और क्या कहा जाता था इंडिया को, सोने की, सबको पता होगा, सोने की चिड़िया कहा जाता था, कोई गलत भी नहीं है। सोने की चिड़िया कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो ट्रेड एंड कॉमर्स था वो मुगल काल में, आप देखिए, आप हिस्ट्री आपने पढ़ा होगा, मुगल काल या उसके बाद तक भी, जब तक जो ब्रिटिश नहीं आ रहे हैं या डच नहीं आ रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आ रही है, तब तक हमारा क्या था, तब तक हमारा देश भारतवर्ष, हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, निर्यात करते थे, चीजों को निर्यात करते थे, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती थी, खासकर जो हमारे फैब्रिक्स होते थे, गारमेंट्स, हमारे जो कपड़े होते थे, तो कपड़े के उद्योग में नाम नहीं सुना है आपने, ढाका का मलमल सबने सुना होगा, तो ढाका, इसके अलावा साउथ में जो हमारा सूती वस्त्र का, कॉटन का इंडस्ट्री है, किसने नहीं सुना है। तो ये सारे, इसके अलावा आज भी मसाले के लिए कौन सा स्टेट जाना जाता है, सब लोग जान रहे हैं, जो साउथ है और खासकर केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, हमारा मसाले के लिए काफी जाना जाता है, और मसाले आज भी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, पूरी दुनिया को बेचते हैं, उस समय भी था, बल्कि उसमें तो और ज्यादा था। तो इन सारी चीजों को इंडिया बेचता था, और खरीदने वाले कौन थे, पूरी दुनिया खरीदती थी, खासकर यूरोप वगैरह। तो हम सामान को, इकोनॉमिक्स का ये बेसिक सिद्धांत है, आपने एक छोटी सी दुकान लगाई, अपनी एक छोटी सी दुकान लगाई, आप क्या चाहेंगे, उसमें दोनों काम होगा, आप कुछ कुछ चीजों को खरीदेंगे और कुछ चीजों को बेचेंगे, बिजनेस यही हुआ ना। तो ज्यादा आप बताइए, जब आपकी दुकान है तो आप क्या चाहेंगे, ज्यादा आप खरीदें या बेचें,
बेच लेंगे, यही तो इकोनॉमिक्स है, ज्यादा बेचें तो, ज्यादा बेचेंगे तो इससे क्या होगा, लाभ होगा, पैसा आएंगे ना क्या, इधर ज्यादा बेचेंगे तो पैसे आएंगे ना। देश के मामले में भी तो यही चीज है, कोई भी देश चाहेगा कि हम एक्सपोर्ट ज्यादा करें, जब हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे तो बाहर से पैसे हमारे घर में आएंगे, और बाहर से पैसे जब घर में आएंगे तो हमारी स्थिति क्या होगी, पहले से अच्छी होगी। तो पहले जब तक ब्रिटिश नहीं आए थे तब तक हमारी देश की स्थिति बहुत अच्छी थी, हम काफी ज्यादा सामान को, खासकर स्पाइसेस मसाले और जो कपड़े हमारे हैं, इसके अलावा हाथी दांत से बनी हुई चीजें साउथ से वो बाहर जाती थी और बाहर से पैसा आता था। अब बताइए, उस समय पेपर नोट तो सर्कुलेशन में आया नहीं था, पेपर नोट, भारत में जो पेपर नोट है कागज का, वो तो 1861 में आया है, तो उसके पहले कौन सा चलता था बताइए, सिक्का नहीं चलता था, सिक्के चलते थे, सोने के चांदी के सिक्के चलते थे। अब आप बताएं कि भारत जब सामान को एक्सपोर्ट कर रहा है तो बाहर से क्या आ रहा है हमारे देश में, सोना, सिक्के के माध्यम में क्या आ रहा है, सोना आ रहा है, सोना और चांदी। इसलिए सोना चांदी इतना ज्यादा हमारे यहां आया, इसलिए इसको सोने की, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई मिथ नहीं है, यह सच्चाई है, भारत सोने की चिड़िया थी, मजाक कभी से नहीं है, सोने की चिड़िया थी। लेकिन ब्रिटिश जब आए, अंग्रेज जब आए, तो उन्होंने एक उल्टा काम शुरू कर दिया। शुरू में तो आए थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी, कि चलो ठीक है, अरे शुरू में ये वो शासन करने थोड़ी आए थे, कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो आई थी यहां इसलिए क्योंकि उनको पता था कि भारत में बहुत सारा सामान बिकता है, उन सारे सामान को खरीदो, यहां 10 रुपए में खरीदो और इंग्लैंड जाकर के उसको 1,000 रुपये में बेचो, इसलिए आए थे वो लोग। और शुरू में यही काम उन्होंने किया, लेकिन बाद में जब उनको लगा, अरे यहाँ के लोग तो इनको आपस में बहुत ज्यादा क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है, नहीं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट दुनिया के अन्य देशों से कुछ ज्यादा ही यहाँ है, जाति पाति धर्म, जाति में भी उपजाति, अरे बहुत सारी चीजें हैं, तो इन्होंने कहा कि नहीं तोड़ना चाहिए, और थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया तो पता चला आराम से टूट गया, ये तो बाहर से बड़ा मजबूत दिख रहा था, ये तो छुआ और गिर गया। तो फिर आप सबको बताया बंगाल और फिर मद्रास मुंबई किस तरह से अधिकार हुआ। अब जब अंग्रेजों का अधिकार हो रहा है, अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने उल्टा कर दिया, समझिए आप, भारतवर्ष से जो हमारे यहां, जो भारतवर्ष में, खासकर हमारा जो साउथ था ना, यहां से ज्यादा सामान भेजा जाता था, ये केरला हो गया ना, ये केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका वगैरह हो गया, और इधर जो हमारा हो गया ये वाला एरिया, उसमें तो बांग्लादेश अलग थोड़ी था, वो तो सब तो भारत में ही था ना, तो यहाँ से या साउथ से जो सूती वस्त्र जाते थे, तो कुल मिलाकर के जो बाहर जा रहा है, और यहाँ पर यूके, तो हमारा सामान बाहर जा रहा है, और बाहर से क्या आ रहा है, सोने चांदी आ रहे हैं, इकट्ठा हो गया यहाँ। अब अंग्रेजों ने जब यहाँ पर 1700, सॉरी कौन सा ईस्वी था, कौन सी संधि, एक इलाहाबाद की संधि, हाँ इलाहाबाद की संधि ना, 1765 में जो भी, कितना, अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, जो बोल दो, हिस्ट्री मेरा नहीं है, 67, चलो ठीक, 67 ना, 65, चलो ठीक। तो जब वो लड़ाई हो गई, उसके बाद आप सबको पता है भारत पर, चूंकि ये एक ऐसी लड़ाई थी, प्लासी की लड़ाई में तो सिर्फ बंगाल के शासक को हराया, लेकिन बक्सर की लड़ाई में मुगल शासक भी हारा, और मुगल शासक उसमें सबसे शक्तिशाली, मुगल शासक को हराने का मतलब इंडिया पर आपका अधिकार लगभग लगभग हो गया। तो जब लगभग लगभग अधिकार हो गया, तो अब इन्होंने उल्टा किया, उल्टा क्या किया, भारत जो सामान को एक्सपोर्ट कर रहा था, अब उल्टा हो गया। आप सबने पढ़ा होगा कि जो, हाँ जो ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, दुनिया में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहां से हुई, इंग्लैंड से, नहीं हुई इंग्लैंड से, अच्छा इंग्लैंड में भी किस जगह का नाम आता है, तो नाम आता है मॉन्चेस्टर, आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, आप भारत का मॉन्चेस्टर, उत्तर भारत का मॉन्चेस्टर, दक्षिण भारत का मॉन्चेस्टर, जापान का मॉन्चेस्टर नहीं पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं आखिर, मॉन्चेस्टर किस चीज का सिंबल है, मॉन्चेस्टर प्रतीक है औद्योगिक क्रांति का। ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति हुई, तो वहां पर सबसे पहले लौह इस्पात और सूती वस्त्र उद्योग, अब बताएं आप, ब्रिटेन में खुद उद्योग धंधे लगने लगे, वहां पर खुद उद्योग धंधे लगने लगे, बड़े बड़े कारखाने लगने लगे, मशीन बन गए। अब बताइए, वहां पर खुद कपड़े का प्रोडक्शन शुरू हो गया, कपड़े का प्रोडक्शन हो जाएगा, लेकिन यहाँ की आबादी कम है कि ज्यादा है,
इंडिया या अखंड भारत पहले का या दक्षिण ले लें तो इंडोनेशिया वगैरह, तो अपेक्षाकृत यहाँ की आबादी कम है लेकिन प्रोडक्शन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो ज्यादा जब उत्पादन होगा तो उस सामान को वो ब्रिटेन के लोग क्या करेंगे, उसको बेचेंगे ना। जैसे आज के डेट में चाइना क्या कर रहा है, आज के डेट में चाइना क्या कर रहा है, चाइना एक सुपर पावर क्यों है, क्योंकि उसके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग का हब है, इतने सारे सामान को वो बनाता है और उन सारे सामानों को पूरी दुनिया में बेचता है, और पूरी दुनिया में जो बेच रहा है तो पूरी दुनिया से पैसे कहाँ आ रहे हैं, चाइना में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। दीपावली में हम लोग पटाखे, सॉरी चाइनीज पटाखे भी तो हाँ शायद है, पहले हमारे यहाँ बड़ा बड़ा लाइट चलता था वो, जिसको हम लोग बोलते थे झालर बोलते थे, अब उसके जगह मिनी बल्ब आ गया ना चाइनीज वाला, वो आ गया, इवन कि गणेश जी भी आ गए चाइनीज, गणेश जी और लक्ष्मी जी भी वो भी चाइनीज आ गए, या खिलौने आ गए। अब आप कभी सोच के देखिए, आप जब परचेज कर रहे हैं वो चाइनीज प्रोडक्ट को, तो आप जो पैसा दे रहे हैं दुकानदार को, क्या वो दुकानदार के पास रह रहा है या फिर चाइना जाएगा, वो अधिकांश हिस्सा वो जाएगा चाइना, क्योंकि चाइना का सामान है। इस तरह से पूरी दुनिया में चाइना का सामान जा रहा है, और वो पैसा जो चाइना जाएगा उसी पैसे से फिर वो तोप और गोला खरीदेंगे और गलवान में बदमाशी करेंगे, गलवान या डोकलाम, है ना। तो देखिए, अब ब्रिटेन में यहाँ मॉन्चेस्टर में उत्पादन शुरू हो गया, तो अब उल्टा हो जाएगा, यानी अब ये चाहेंगे कि हमारा जो सामान बन रहा है वो पूरी दुनिया में जाए। अब सवाल है कि जो देश खुद यहां पर कॉटन का उत्पादन कर रहा है, कॉटन प्रोडक्ट का, कपड़े का उत्पादन कर रहा है, तो वो तो निर्यात कर रहा है और ये कह रहा है कि नहीं भाई, अब तुमको भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, भारत एक 30 करोड़ की आबादी वाले देश है लगभग, तो इसको अपने सामान को बेचो। इसके लिए अंग्रेजों ने, चूंकि यहां पर शासन था, अंग्रेजों ने ऐसी व्यवस्था अपनाई जो हमारे कल कारखाने थे उस पर इतना ज्यादा ये ड्यूटी, क्योंकि जिसकी सरकार रहेगी कर कौन लगाएगा, टैक्सेशन का अधिकार किसको है, सरकार को है ना। तो जब ब्रिटिश सरकार सत्ता में आ गई, बंगाल से उन्होंने शुरुआत की, वहां पर उन्होंने कर बहुत ज्यादा लगाया। जब टैक्स आप बहुत ज्यादा लगाएंगे, यानी हमारा जो कपड़ा जा रहा है ब्रिटेन, तो ब्रिटिश सरकार उस कपड़े पर, आप सबको पता है ना, इंपोर्ट ड्यूटी लगता है ना, कस्टम ड्यूटी नहीं लगता है, आयात शुल्क और निर्यात शुल्क। तो यहां से जो हमारे कपड़े जा रहे हैं उस पर पहले 10% लगता था टैक्स, कस्टम ड्यूटी, अब इन्होंने इसको बढ़ाकर कर दिया 100%, 200%, सोच लीजिए कितना हो गया, दुगना हो गया। इसका मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है, अगर उस पर टैक्स ज्यादा होगा तो हमारा प्रोडक्ट अब यूके में सस्ता होगा कि महंगा होगा, महंगा होगा। स्वाभाविक रूप से यहां के लोग जो भारत का सामान खरीद रहे थे, अब उनको सस्ता पड़ेगा अपने देश का सामान, तो भारत का जो निर्यात है वो घटेगा कि बढ़ेगा, पीछे। देखो भाई, जिनका तो पहला क्लास भी है वो भी बता सकते हैं आप, एकदम सिंपल चीज है, कुछ है ही नहीं इसमें। आपने टैक्स लगा दिया तो भारत के जो कपड़े जा रहे थे वो निर्यात अब क्या होगा, घट जाएगा, और जब निर्यात घटेगा तो यहां से जितना किसान हमारे, सॉरी किसान, ये हमारे जो उद्योग धंधे थे, हमारे उद्योग धंधे में उत्पादन उनमें अब घटेगा कि बढ़ेगा, उत्पादन, क्योंकि पहले अगर 100 कपड़े का डिमांड था, टैक्स भरने के चलते अब महंगा हो गया, तो अब 100 कपड़े का डिमांड नहीं होगा, अब 25 कपड़े का ही डिमांड होगा। जब 25 कपड़े यहां से भेजे जाएंगे तो हमारे कल कारखाने में जो 100 कपड़ा बन रहा था, अब वो बनने लगा कितना, 25, तो 25 बनने लगा, तो हमारा कारखाना क्या हो गया, अब डिस्टर्ब हो गया, डिस्टर्ब हो गया, तो धीरे धीरे हमारे उद्योग जो है वो बंद होने लगे, घाटे में चलने लगे, बंद हो गए, और यही तो अंग्रेज चाह रहे थे। जब हमारा बंद हो गया, अब बताएं, लॉकडाउन में, लॉकडाउन में कारखाने बंद हुए, मुंबई में ज्यादातर जो यूपी बिहार के लोग रहते हैं, मुंबई में, दिल्ली में, गुड़गांव में, जब लॉकडाउन हुआ पिछले साल, कारखाने बंद हुए, तो लोग कहाँ गए, गांव गए ना। जब कल कारखाने बंद होते हैं तो लोग अपने रूट्स की ओर, गांव की ओर वापस लौटते हैं, वही हाल हुआ यहाँ उस समय भी, लोग शहर में अब क्या करेंगे, तो गांव वापस आ गए, एकदम प्लांट वे में अंग्रेज यही सोच रहे थे, जाओ गांव तुम। अब जब गांव चले गए तो वहां पर उनको अब प्रमोट किया गया, कृषि व्यवस्था में कई सारे सुधार लाए गए, जो हिस्ट्री में पढ़ते हैं आप, रैयतवाड़ी व्यवस्था वगैरह पढ़ते हैं ना आप लोग, चीजों को एक दूसरे से जोड़िए ना आप, अच्छा लगेगा। ये सारी लैंड रिफॉर्म्स किया उन्होंने, और लैंड रिफॉर्म्स करके किसानों को प्रमोट किया कि आप लोग अब ऐसा करो, छोड़ दो उद्योग, कुछ रखा नहीं है शहर में, आप खेती करो। किस चीज का खेती करेंगे, कपास की खेती कीजिए ना, हम उसके लिए आपको तो लोन भी दे रहे हैं, किसानों को कपास की खेती के लिए, जो हाथ
कारखाने में लगे हुए थे और जो कपड़े बाहर जा रहे थे, अब उस देश को बना दिया गया, एक औद्योगिक देश को बना दिया गया, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री। और लोग कॉटन का, अब मरता क्या नहीं करता, तो कॉटन का व्यवसाय, सॉरी कॉटन की खेती या अन्य चीजों, कच्चे माल की, ताकि कच्चा माल, अब क्या होगा यहां पर, चूंकि बर्फीला प्रदेश है ब्रिटेन वगैरह, वहां पर कॉटन नहीं होगा, तो वो कॉटन चाहिए, उसको कच्चा माल चाहिए, रॉ मटेरियल कहां से जाएगा, भारत से जाएगा, मिस्र से जाएगा। तो इन देशों में ऐसी नीति अपनाई, यहां से हमारा रॉ मटेरियल जाने लगा और मॉन्चेस्टर जो है वो काफी ज्यादा औद्योगिक रूप से विकसित हो गया। तो बताइए आप, भारतीय उद्योग धंधों को किस तरह से नुकसान हुआ, क्यों हम एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था थे जिस समय देश को आजादी मिली, 1947 में जब देश आजाद हुआ, हमारी अर्थव्यवस्था क्यों पिछड़ी थी, कुछ कुछ समझ में आ रहा है पीछे, ये चीजें सारे सेक्टर में अपनाई गई, ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉटन इंडस्ट्री में, लगभग लगभग जिन चीजों का भारत निर्यात कर रहा था और जिसका विकल्प ब्रिटेन में मिल गया, उन सारे चीजों पर ये पॉलिसी अपनाई गई, जिस तरह से हमारा जो देश है वो एक पिछड़ा एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री हो गया। उसके बाद फिर तो आप जान ही रहे कहानी, दादा भाई नौरोजी पहले शख्स थे जिनको ये समझ में आ गया कि जो ब्रिटिश यहां पर हैं तो ये क्या कर रहे हैं, ड्रेन ऑफ, दादा भाई नौरोजी ने कौन सा सिद्धांत दिया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, पढ़ते हैं आप लोग, एक पुस्तक भी उन्होंने लिखी थी ना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो पहली बार उन्होंने दिखाया कि अरे भारतीयों सोच के देखो आप क्या कर रहे हो, किनकी गुलामी कर रहे हो, तुम किनकी नौकरी कर रहे हो, ये जो ब्रिटिश है यहां पर, ये तुम्हारे पैसे को कहां ले जा रहे हैं, भारत के धन को सब कहां ले जा रहे हैं, ब्रिटेन ले जा रहे हैं, एक तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो सब घटा करके, दूसरी बात हमारा जो जितने सारे यहां वायसराय आए, जितने ऑफिसर आए आर्मी में, उनके जितने ऑफिसर आए उन सबको वेतन मिलता था, तो उनको जो वेतन मिलता था वो कहां के पैसे से, भारत के पैसे से, और वो पैसा कहां जाता था, सब ब्रिटेन जाता था, यही हुआ ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन, धन की निकासी, हमारे भारत का पैसा 200 साल तक कहां चला गया, ब्रिटेन और अन्य कंट्रीज को गया। हमारे 1947 में जब आजाद हुए तो भारत की आर्थिक स्थिति ऐसी ही थी, हमारे पास लौह इस्पात उद्योग के नाम पर सिर्फ एक प्लांट था और वो भी प्राइवेट सेक्टर में था, कौन सा, 1947 में, हाँ बोलिए बताइए, टिस्को, टिस्को नहीं था, टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर में 1907 में एस्टेब्लिश हुआ था और आजादी के समय वही एक था हमारा, हालांकि एक छोटा सा था और भी साउथ में मैसूर में था, लेकिन बहुत छोटा था वो। अब बताएं आप, उस समय जब देश आजाद हुआ तो इतनी बड़ी आबादी है, और इस 36 करोड़ की आबादी आजादी के समय, इतनी बड़ी आबादी है और उस आबादी को अब चाहिए, चूंकि एक ऐसी सरकार आ गई, भारत सरकार आ गई, और हमारा सरकार संविधान के अनुसार, भारत कैसा, कैसी सरकार है, भारत में दो तरह की सरकारें होती है, एक पुलिस स्टेट होता है, एक वेलफेयर स्टेट होता है। पुलिस स्टेट का मतलब हो गया कि वहां पर सरकार जो टैक्स वगैरह वसूली गई उसका मुख्य उद्देश्य रहेगा अपनी आर्मी को मजबूत करना, ताकि विद्रोह को दबाया जा सके या अपने साम्राज्य का एक्सपेंशन किया जा सके। जैसे अलाउद्दीन खिलजी, नहीं है अलाउद्दीन खिलजी भी टैक्स वसूलता था ना, कितना था उसका चार्ज, 50% नहीं था, भारत में सबसे ज्यादा जो टैक्सेशन था अलाउद्दीन खिलजी के समय में, सॉरी कितना था, 50%, यानी आप जितना अर्न कर रहे हैं अगर आपका 101 क्विंटल हो रहा है तो 50 किलो तो अलाउद्दीन खिलजी लेके चले जाएंगे, और वो पैसे का क्या करेंगे, वो पैसा आप पर नहीं खर्च करेंगे, वो पैसा अपनी सेना पर खर्च करेंगे, और सेना को इसलिए मजबूत बनाएंगे ताकि अगर आप कभी सरकार कुछ गलत करती है, आप अगर विद्रोह करते हैं तो उस विद्रोह को दबाया जा सके, या फिर दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया जा सके। आज के डेट में क्या है, आज के डेट में दुनिया में लगभग 90% जगहों पर कैसी सरकार है, डेमोक्रेटिक सरकार है और वेलफेयर स्टेट है, लोक कल्याणकारी राज्य। इसको खोल दिया जाए क्या, थोड़ी राहत मिलेगी इससे। तो वेलफेयर स्टेट का मतलब ही हो गया कि आप कल्याणकारी राज्य, इसका मतलब हो गया कि आप जो टैक्स के रूप में पैसे वसूलेंगे उसको खर्च किस पे करना है, आम जनता पर, नहीं है। तो सरकार भी जो टैक्स के रूप में पैसे वसूलती है तो बजट में क्या करती है, वो बजट में जो घोषणाएं करती है एक साल में सरकार को कहां कितना खर्च करना है नहीं करना है, ये किससे पता चलता है, बजट से।
बजट में जो सरकार खर्च करती है कहाँ कहाँ, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, लोक कल्याणकारी जो विधवा पेंशन योजना है, तो ये सारे कार्यक्रमों पे खर्च करती है। यानी कि आज के डेट में आप वेलफेयर स्टेट हैं और आपको खर्च करना है किस पर, जनता के कल्याण पर खर्च करना है। डिफेंस पर भी खर्च कीजिए लेकिन इस ज्यादा प्रमुखता किसको देना है, आम जनता के कल्याण को। तो 1947 में जब देश आजाद हुआ हमारी आर्थिक स्थिति वैसी नहीं थी और इस चीज को हमारे देश के जो कर्ता धर्ता थे वो समझ रहे थे कि जब देश आजाद हुआ, क्योंकि देखिए लगभग 1900 सेकेंड वर्ल्ड वॉर जिसमें शुरू हुआ लगभग उस समय तक एक संकेत मिलने लगा, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 39 में शुरू हुआ ना 1939 में, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने, हिटलर ने लंदन को तबाह कर दिया था। वो तो चर्चिल था उस समय, अगर चर्चिल के जगह पे कोई दूसरा ये पीएम रहता वहां पर तो बहुत मुश्किल था, मतलब लंदन और यूके ब्रिटेन को बचाना मुश्किल था, हिटलर ने इतनी ज्यादा बॉम्बार्डिंग की थी वहां पे। तो ये लग गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कि ब्रिटेन पहले से मजबूत हुआ कि कमजोर हुआ। और एक चीज ध्यान रखिए होता है लगभग 19वीं सदी और 20वीं सदी सुपर पावर कौन रहा, ब्रिटेन। 21वीं सदी में कौन है, अभी तो अमेरिका है, आप मान सकते हैं 20वीं सदी और 21वीं सदी अभी तो अमेरिका ही है ना, हो सकता है 20-25 साल के बाद चाइना हो जाए या भगवान करे हम भी हो जाएं अगर अगर सब कुछ ठीक रहा तो। यहाँ तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ही इतने ज्यादा है, आपस में ही इतनी लड़ाई है कि फिर बाहरी दुश्मन से क्या लड़ेंगे आप। खैर, इसके पहले हर दुनिया में हर देश का समय आता है। अभी सुपर पावर अमेरिका है, आगे हो सकता है चाइना हो जाए और हो ही जाएगा। इसके पहले कौन था, अमेरिका के पहले सुपर पावर कौन था, यूएसएसआर। अच्छा ये नहीं, बात आपने भी सही कही है, यूएसएसआर। देखिए यूएसएसआर कभी भी सुपर पावर नहीं रहा, क्योंकि यूएसएसआर एज ए सुपर पावर जब इमर्ज किया वो स्टालिन के समय में लगभग 1935-40 के आसपास, उसी समय अमेरिका भी आ चुका था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जापान पूरी तरह से तबाह कर रहा था सारे देशों को, उसी समय अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया था ना, क्योंकि न्यूक्लियर वीपन्स उस समय किसके पास था, अमेरिका के पास, और वो जो न्यूक्लियर वीपन का इस्तेमाल किया तो पूरी दुनिया उसके सामने नतमस्तक हो गई है ना। और उसके बाद दोनों देशों के बीच में जो सुपर पावर बनने के लिए एक संघर्ष हुआ उसको कोल्ड वार आप सब जानते होंगे, शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो कोल्ड वार हुआ, तो कोल्ड वार हुआ तो उसमें अंतिम रूप से जीत किसकी हुई, 1991 में अमेरिका की जीत हुई। रशिया तो टूट गया, यूएसएसआर तो 15 भागों में टूट गया, अमेरिका के सामने वो टिका नहीं, और अफगानिस्तान से भी उसको अपनी सेनाओं को बुलाना पड़ा जो तालिबान वहां कब्जा हुआ 1979 के बाद, कभी बात चलेगी तो बताएंगे आपको। तो सुपर पावर यूएसएसआर नहीं, अमेरिका आज जितना पावरफुल है उससे 10 गुना ज्यादा पावरफुल था 19वीं सदी में ब्रिटेन। आपने सुना होगा अंग्रेजों के समय में कभी सूर्यास्त, सुना है ना ये कहा जाता है, अंग्रेजों के समय में कभी सूर्यास्त नहीं होता था। इसका मतलब क्या हुआ, सूर्यास्त नहीं होने का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर वर्ल्ड का मैप ये है तो यहां से लेकर के यहां तक किसी न किसी देश पर ब्रिटेन का अधिकार था। अगर यहां पर पूरब में सूरज उगा है तो यहां क्या होगा, रात होगा ना, 24 घंटे का अंतर होगा तो रात तो होगा ही ना। अगर यहां पर सूर्य नहीं उगा है तो यहां सूर्य उगा है, यहां रात है तो यहां दिन है, ऐसा है ना। तो इतना पावरफुल था कौन, ब्रिटेन। नेपोलियन बोनापार्ट, बड़े बड़े जो लोग थे सबका सपना चूर कर दिया नेपोलियन बोनापार्ट, उसने सोचा था पूरे यूरोप का हम अंडर कर लेंगे, कर भी लिया था, आल्प्स पर्वत को पार करके इटली को हरा, पता है नहीं सब चीज। असंभव शब्द किसने कहा था, असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है, किसने कहा था, अरे नहीं जानते आप लोग, नेपोलियन बोनापार्ट का था भाई। असंभव कुछ भी नहीं है, जब उसके सैनिक जो है वो इटली को क्रॉस करके और उस पार जाना चाह रहे थे, यानी कि सॉरी फ्रांस को क्रॉस करके इटली पर जाना चाह रहे थे, तो बीच में कौन सा पर्वत था, जिस तरह आपके यहाँ हिमालय पर्वत है ना, तो उधर चीन से आने में हिमालय पर्वत को पार करना उस समय 1700 के आसपास 1800 के आसपास, तो अपने सैनिकों का आह्वान किया था, अरे असंभव शब्द कुछ नहीं है, हिमालय को भी क्रॉस करेंगे, असंभव शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है, असंभव शब्द तो मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता था। और नेपोलियन ने आल्प्स पर्वत पार को करके और विजय पाई थी, पूरे यूरोप को लगभग कब्जे में कर लिया था, रशिया भी हारा था उसको, लेकिन ब्रिटेन, नेपोलियन किसके हाथों परास्त हुआ था, ब्रिटेन के हाथ,
ब्रिटेन के हाथों परास्त हुआ और उसकी मौत भी हुई थी, इतिहास गवाह है। तो इतना शक्तिशाली देश और भारत, तो कुल मिलाकर के मेरा ये कहना है कि जिस समय भारत आजाद हुआ हमारे सामने कई सारी समस्याएं थी, आज के डेट में हमारे सामने ये चुनौती नहीं है कि दाल और जो चावल है तो दाल अवेलेबल, हाँ महंगा होता है, महंगा सस्ता होना अलग चीज है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि 15 दिन तक लगातार चावल खाओ या 10 दिन तक लगातार मोटा अनाज होता है, ज्वार बाजरा ऐसा नहीं होता है, मकई ऐसा नहीं होता है। हम जो जो चीज हमारे पास पैसे हैं, हम जो चीज खाना चाहें हमारे पास वो चीज अवेलेबल है, लेकिन उस समय नहीं था। जिस समय देश आजाद हुआ 1947 में, उस समय हमारे यहाँ प्रोडक्शन होता था धान का होता था, हमारे पास गेहूं ना के बराबर होता था, ना के बराबर। हरित क्रांति आप पढ़क जानते हैं आप लोग, 1966-67 में जब हरित क्रांति हुई तो आफ्टर ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया जो है वो गेहूं के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। अदरवाइज पहले हमको गेहूं मंगाना पड़ता था, पता है कहां से गेहूं मंगाना पड़ता था? अमेरिका से या रूस से, इन दोनों देशों से जब बंदरगाह पे आते थे तो फिर हमारे पेट में रोटी जाता था, अदरवाइज मक्के की रोटी खाते थे हमारे जो पूर्वज थे। बहुत गरीबी थी देश में, भुखमरी आज के डेट में कहीं सुनते हैं कि भुखमरी है? नहीं, लेकिन उस समय भुखमरी थी, गांव का गांव साफ हो जाता था, अनाज नहीं मिलता था लोगों को। ये पहले हाँ एक सेकंड, अच्छा वो इंडेक्स में बोल रही है क्या? उस इंडेक्स को इंडिया ने नहीं माना, वो जो आप बता रही है ना उस इंडेक्स को इंडिया ने नहीं माना क्योंकि उसमें छेड़छाड़ की गई थी। आपने आज 1 महीने पहले विवाद हुआ था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में चाइना, चूंकि देखिए अब तो वर्ल्ड में जिस तरह अमेरिका का हर जगह पे, संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका का था, अब किसका आ गया? ज्यादातर चाइना का। और कोरोना काल में आपने देखा जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो चीफ है, और इसमें और चाइना में दोनों में साठगांठ भी था, मतलब ऐसा आरोप लगा। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में छेड़छाड़ हुई थी, इंडेक्स में भी छेड़छाड़ होता है, ठीक है ना? आप अपने यहां को देखिए, अपने आसपास को देखिए, आपको क्या लगता है? नहीं, आसपास का मतलब यहां ही नहीं, गांव की भी देखिए। आप बताइए गांव में, छोड़ दीजिए आप अपने गांव में बताइए, आप जहां से भी हैं, आज से 10 साल पहले गांव में कितने बाइक्स थे लोगों के पास, मोटरसाइकिल थे, और आज कितने लोगों के पास मोटरसाइकिल है, दिखता है ना? अरे नहीं दिखता है क्या? आज से 10 साल पहले आपके गांव में कितने बैंकों के ब्रांचेस थे और आज कितने बैंकों का ब्रांचेज है? क्यों बैंकों का ब्रांचेज बढ़ गया भाई? पहले सिर्फ एसबीआई का था या यूको बैंक का था, आज हमारे पास एचडीएफसी और आईसीआईसीआई भी आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि उसका बिजनेस है, उसका बिजनेस है, वो वहीं जाएगा जहां पर उसका बिजनेस चलेगा, यानी कस्टमर बढ़ेगा, अदरवाइज वो नहीं जा सकता है। तो लोगों की आमदनी पहले बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना? आप छोड़ दीजिए, लोगों की आमदनी पहले से बढ़ी है, अर्थव्यवस्था की स्थिति अच्छी हुई है। खैर 1950 में हमारे पास, 47 में ये स्थिति नहीं थी, इसलिए देश का आर्थिक विकास कैसे हो इसके लिए देश को चिंता थी। और उस समय देश का मतलब होता था कांग्रेस, कांग्रेस कोई पार्टी नहीं थी, कांग्रेस एक आंदोलन था। तो कांग्रेस को चिंता हुई तो सबसे पहले 1938 में जो सुभाष चंद्र बोस उस समय ये थे ना कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने सबसे पहले देश का विकास कैसे होगा इसके लिए एक प्लानिंग कमिटी बनाई थी और उसके अध्यक्ष बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू। ये योजना आयोग जो 1950 में आ रहा है उसका इतिहास है, तो इसे क्वेश्चन आपको आता है, जल्दी से जरा डाल लीजिए। तो दूसरा पॉइंट डालिए, नेक्स्ट पॉइंट डालिए, तो इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है। इकोनॉमिक प्लानिंग इज द फीचर ऑफ सोशलिस्टिक इकोनॉमी, आर्थिक नियोजन समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है, समाजवादी सोशलिस्टिक इकोनॉमी समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है। विश्व में सर्वप्रथम 1928 में, विश्व में सर्वप्रथम 1928 में, 1928 में यूएसएसआर में,
यूएसएसआर से, सॉरी मैं नहीं, यूएसएसआर से, यूएसएसआर का मतलब हो गया सोवियत, हाँ याद रखिएगा सोवियत संघ, अभी सोवियत संघ नहीं है, अभी है रूस। सोवियत संघ तो टूट गया 91 में और उसके बाद जो बचा है वो अभी रूस है। तो सोवियत, क्या लिखा आपने, सोवियत संघ से 1928 में सोवियत संघ से शुरुआत हुई, सोवियत संघ से शुरुआत, यूएसएसआर से शुरुआत हुई। तो अगर क्वेश्चन आएगा दुनिया में सबसे पहले आर्थिक नियोजन किस देश में, यूएसएसआर में, और ईयर भी हो गया 1928 में, सही है। भारत में, भारत में नेक्स्ट पॉइंट डाल लीजिए, थोड़ा पॉइंट के रूप में डालिए ना, इससे क्या होगा ना आप जब रिविजन करेंगे ना तो हर पॉइंट पे जाएगा वो आपका फोकस हो गया। आइए नेक्स्ट पॉइंट डाल लीजिए, भारत में, भारत में इकोनॉमिक प्लानिंग की शुरुआत, आर्थिक नियोजन की शुरुआत, भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत फिफ्थ ईयर प्लान के रूप में, पंचवर्षीय योजना के रूप में, पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना के रूप में एक अप्रैल 1951 से हुई, अप्रैल 1 1951 से हुई। अच्छा अब इसमें एक काम करते हैं हम लोग, आज एक काम कर लेते हैं, कितनी पंचवर्षीय योजनाएं हुई कुल मिलाकर 12। जितनी सारी पंचवर्षीय योजनाएं हैं इनका आपको सबसे पहले इस भी याद रखना है, ये याद रखेंगे तो कई तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे जैसे आपको एक बार पूछा गया था यूपीपीसीएस में, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय, डाल दिया था चौथी पांचवी छठी सातवीं। अब इस क्वेश्चन का जवाब कैसे आएगा, इस क्वेश्चन का जवाब आने के लिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नाबार्ड कब बना। तो नाबार्ड तो ऐसी संस्था है तो बताएंगे आपको हम, डेवलपमेंट बैंक जितने हैं, नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को आया था, 1982 में नाबार्ड स्थापित हुआ था। तो ये आपको पता है कि 1982 में नाबार्ड आया, 1982 में। अब सिर्फ ये बता देना है आपको 1982 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, जवाब आ जाएगा। तो इसके लिए जरूरी है, या क्वेश्चन आ जाएगा कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1969 में। अब 1969 आपको पता है और उसके बाद ये भी पता है कि 1969 में कौन सी योजना चल रही थी। तो अगर आप ये जान लेते हैं कि विभिन्न योजनाओं का समय क्या रहा है तो आप आराम से बना देंगे उसका। तो आपको इसमें 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं तो 12 पंचवर्षीय योजनाएं आपको नहीं करनी है, आपको सिर्फ इसमें करना क्या है, नाम से ही लग रहा है पंचवर्षीय यानी 5 साल पे, तो 5-5 साल क्या करेंगे, खुद से करना है, 5-5 साल आप जोड़ते जाए। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं थी, बस इतना ध्यान रखना है। तो आप बताएं, आप खुद से करेंगे, सब लोग खुद से करेंगे। शुरुआत कब से हो रही है, 1951 से, 5 साल चलेगा ना, 56 हो गया 56। दूसरी योजना कब हो जाएगी, 56 से 61 से 66। अब आपको क्या करना, अब आपको करना क्या है, सिर्फ ये याद रखना है कि 3 बार इसमें हर्डल आया, बाधा आई। आपको वर्ष ये नहीं याद रखना, आपको ये याद रखना है कि किस किस वर्ष पंचवर्षीय योजना को रोका गया। तो रोका गया पहली बार 1966-69 में, ये पहली बाधा आई। अब जान लेते हैं हम लोग क्यों बाधा आई, फिर से कंटिन्यू हुआ कब से, ये 69 से फिर से कंटिन्यू होगा 1969 से, तो 1969 से 1974 to 79, देखिए 1979 होना चाहिए लेकिन 1978 तक रहा, क्यों रहा बताएंगे आप, 1978 और फिर 78 से 2 साल फिर बाधा आई, 1978 से 80, तो दूसरी बाधा ये, फिर कंटिन्यू कीजिए इसको 1985 से 90, और एक बार अंतिम बार जो बाधा आई है वो 1990 से
92, तो तीसरी बार ये बाधा आई। इसके बाद 1992, 97, 97, बता दीजिए आप लोग, बताइए, अभी नोट मत कीजिए प्लीज, बताइए आप लोग बताएं 97 से कहाँ डाल दें, 2000, दो ना 5 साल, 2002। अगला बताइए, और 2012, सॉरी 2012 से, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, यही हुआ ना 1900 के। अच्छा कितना आसान है ना, बारह कितनी योजनाएं हुई भारत में अब तक, 12, और 2012 यानी अंतिम योजना 2012, 12 से 17 तक चली, आसान है याद करना। भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं आई और अंतिम योजना 2012 से चली थी 17। अब देखिए आप इसको मत याद कीजिए, इसको नहीं याद करें आप इसको याद कर लें, ये तीन कि क्योंकि ये तो आपको पता ही है, पांच पांच साल पे हो रहा है, नहीं हो रहा है, पांच पांच साल पे हो रहा है, आपको सिर्फ ये देखिए कि ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर, ब्रेक कब लगा है, एक बार ब्रेक लगा 1966 में 3 साल के लिए, और इसको बोलते हैं, ऐसे भी पढ़ना पड़ेगा आपको, इसको बोलते हैं रोलिंग, सॉरी प्लान होलीडे, योजना अवकाश, भारत में पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा वर्ष योजना अवकाश के रूप में जाना जाता है। इसके बाद 78 से 80, यहां पर प्लान होलीडे ये हो गया, और ये हो गया रोलिंग प्लान, कई बार पूछा गया है बीपीएससी में, रोलिंग प्लान किस ईयर को कहते हैं, और 1990 कहां गया, ये 3 साल, ये 3 बार, 1, 2, 3 बार स्पीड पे रोक लगी है। वो पेज पेज रह दे दीजिए, पेज 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 हम डलवा देंगे, नहीं 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 जाइए ना, एक एक पेज आप लोग ऐसा करें पास करते जाइए, है ना, एक एक पेज लेकर के पीछे डाल दीजिए, पास करते जाइए, पीछे से आ जाइए, कोई आइए आइए, आप पीछे से, और ये तो हाँ पूर्णकालिक सदस्य मिला, पेज को देखिए, पूर्णकालिक सदस्य मिला, अभी वो काम का नहीं है, उसके नीचे आ जाइए आप, देखिए आर्थिक नियोजन समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है, लिखा हुआ है, इसकी शुरुआत 1928 में कहां से हुई, यूएसएसआर से हुई, भारत में आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है, पढ़ते हैं ना आप लोग, तीन सूचियां होती हैं, तो समवर्ती सूची का मतलब हो गया कि दोनों इस पर बना सकता है, दोनों के अधिकार क्षेत्र में है आर्थिक नियोजन। हाँ यहां से देखिए, अब आर्थिक नियोजन के तहत पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से शुरू हुई, इसमें कितनी बार रुकावटें आई, देखिए लिखा हुआ है, पेज देखिए ना प्लीज, क्या लिखा हुआ है, कितनी बार, 3 बार, यही 3 बार आई है, ठीक है, पहली रुकावट आई है 1966 से 69, यही तो है, दूसरी रुकावट 1978 से 80, और तीसरी रुकावट है 1990 से 92। पहली जो रुकावट आई उसमें लिखा हुआ है 3 वार्षिक योजनाएं लाई गई, यहां देखिए ये 66 से 69 जो है, तो 5 वर्षीय योजना की जगह पर 3, यानी कि 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69, 3 वार्षिक योजनाएं लाई गई, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, देखिए पेज में लिखा हुआ है, इसे प्लान होलीडे यानी योजना अवकाश कहा जाता है, ठीक है। अब आप इसमें नहीं डाला हुआ है, अब आप समझ लीजिए आखिर ये 3 वर्ष का गैप क्यों आया, याद हो जाएगा, तीन आखिर कौन सी परिस्थिति ऐसी आई कि यहां पर कंटिन्यू चलना चाहिए था, लेकिन यहां पर कौन सी परिस्थितियां बनी जिसकी वजह से तीसरी योजना को के बाद चौथी योजना को कंटिन्यू नहीं किया गया, बल्कि उसकी जगह पर 3 वार्षिक योजनाएं लाई गई, तो समझिए आप, यहां देखिए आप 61 से 66, यानी तीसरी योजना अच्छी नहीं चली थी, क्यों, 62 में क्या हुआ, 62 में चाइना ने अटैक किया ना, वॉर हुआ, वॉर के लिए हम लोग तैयार नहीं थे, और मान के चला जाए उस लड़ाई में हमारा काफी नुकसान हुआ, तो 62 का जो वॉर हुआ, वॉर जब भी होगा तो अर्थव्यवस्था के लिए वो क्षति पहुंचाएगा, आइए 62 में संभले नहीं कि फिर 65 में इधर से और आ गया दूसरा, हमारा पाकिस्तान आ गया,
सपना देख लिया पाकिस्तान ने कि हमारे पास तो विजन टैंक है, इस टैंक को बस न्यू दिल्ली पर बैठ जाना है जाकर के। तो 65 की लड़ाई हुई थी ना, 65 की लड़ाई हुई, बताइए एक देश 3 साल के अंदर दो दो युद्धों का सामना कर रहा है, अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी होगी, नुकसान पहुंच गया। और जो रहा रही सही कसर थी वो पूरी कर दी 1966 के अकाल। 1966 में आजाद भारत का सबसे बड़ा फेमीन आया था, अकाल आया था। तो इस तरह से तीसरी, और पढ़ते हैं आप लोग सबसे असफल योजना कौन सी थी, तीसरी नहीं पढ़ते हैं, क्वेश्चन आता है सबसे असफल योजना तीसरी, तो तीसरी योजना चूंकि फेलियर रही इसलिए चौथी योजना को शुरू नहीं किया गया, बल्कि इसके जगह पर 3 वार्षिक योजनाएं लाई गई। क्लियर है? इसके बाद है नेक्स्ट, आइए 1978 से 80, देखिए पेज में लिखा हुआ है 1978 से 79 के लिए रोलिंग प्लान लाया गया और 1979 से 80 के लिए एक वार्षिक योजना लाई गई। ये थोड़ा सा ये विस्तृत घटनाक्रम है, थोड़ा सा इसमें आपको जाना पड़ेगा, समझिए। देखिए ये जो पहला वाला है और जो तीसरा वाला है, ये दोनों वर्ष में जो पंचवर्षीय योजना को रोका गया है उसके पीछे आर्थिक कारण थे, क्योंकि यहां पर भी इकोनॉमी आपका क्या हुआ, नुकसान हुआ। और 1990 में आप सबको पता होगा सद्दाम हुसैन साहब ने कुवैत पर हमला किया था और उसके चलते खाड़ी युद्ध हुआ था, खाड़ी युद्ध हुआ था ना, खाड़ी युद्ध हुआ था भाई। और उस खाड़ी युद्ध में हमारे बहुत सारे भारतीय दुबई में, सॉरी यहां कुवैत में फंस गए थे और अक्षय कुमार को एयरलिफ्ट करना पड़ा था। एयरलिफ्ट नहीं देखा है आप लोगों ने, एयरलिफ्ट नहीं किया था उसमें, एयरलिफ्ट करने का काम किसने किया था, अक्षय कुमार, अरे उसी पर तो बना था ना, उसी बैकग्राउंड पे बना था, तो याद आ गया ना। तो उस जो फिल्म की शुरुआत होती है, शुरू में जो 20-25 मिनट दिखाया गया है वॉर का, उसी रियल पे है, वो रियल घटना पे है। खैर तो ये 1990 में जो संकट आया था, क्योंकि भारत को अपनी जरूरत का आज भी 80% के आसपास पेट्रोलियम मंगाना पड़ता है बाहर से, उस समय भी मंगाना पड़ता था। और उन देशों में सऊदी अरेबिया वगैरह में लड़ाई छिड़ गई, ईरान इराक में, सॉरी इराक कुवैत में लड़ाई छिड़ गई, तो ऐसी स्थिति में हमारा तेल का सप्लाई क्या हो गया, बाधित हो गया। और तेल ही तो इकोनॉमी का आधार है, तो उस समय हमारी अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा था, इसलिए पंचवर्षीय योजना को रोका गया। तो ये 2 बार आर्थिक कारण से, लेकिन यहां पर जो रोका गया इसके पीछे राजनीतिक कारण थे, क्योंकि भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। 75 में आपातकाल लगाया गया, 77 में चुनाव हुए, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन चला, नीतीश कुमार और सुशील मोदी और रामविलास पासवान जी और रविशंकर प्रसाद, जिसका नाम ले लीजिए, सब लोग चेले चपाटी बन गए। किसके? अरे वही जेपी के ही हैं, सब जेपी के चेले हैं, तो इसलिए एक दूसरे के बारे में सब जानते हैं, तुम कितने पानी में हो सब पता है। तो ये 77 में जो हुआ था उस वजह से मोरारजी देसाई की सरकार आई थी, जनता पार्टी की सरकार, आप सबको पता होगा। अब बताइए क्या होता है, जब नई सरकार आएगी तो बड़ा जोश में रहेगी, वो नहीं रहता है कि पहले की जो सरकार है उन्होंने जो भी किया है गलत किया है उसको उलट दो। तो जो 78 में सरकार आई जनता पार्टी की सरकार, उन्होंने जो कांग्रेस की पंचवर्षीय योजना थी इसको उन्होंने बीच में ही रोक दिया, 74 वाले को बीच में ही रोक दिया और अपनी योजना की शुरुआत कर दी, और उस योजना का नाम दिया इन्होंने रॉलिंग प्लान, लिखा हुआ है इसमें। तो थोड़ा कल इस पेज को पढ़ के आएंगे तो, और कल डिटेल में इसको बताएंगे हम, ठीक है। आज के क्लास में कहीं कोई ऐसी बात जो किन्हीं के समझ में ना आई हो, पीछे इधर 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 उनके आपके बगल में, कहीं कोई परेशानी, थोड़ा सा रूम में इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, और दिक्कत हो तो कल पूछ लेंगे। हाँ बोलिए। हाँ सस्टेनेबल, हाँ, भारत में देखिए ऐसे भारत में धारणी विकास को माना गया है, 8वीं, हाँ सही है,